कन्या पूजन में और कन्याओं के घर से जाने के बाद भूल से भी ना करें गलतियाँ। छोटी बच्चियों को माता का रूप माना गया है, ऐसे में नवरात्रि में उनकी पूजा करने से देवी माँ काफ़ी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि कन्याओं को भोजन कराने से विवाहित महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है, यानी कि उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं अपने अलग अलग रूपों में कन्या पूजन के लिए आती हैं। अगर आप भी माँ भगवती से अपनी हर मुराद पूरी करवाना चाहते हैं तो कन्या पूजन ज़रूर करें। कन्या पूजन के दौरान हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो हम पर भारी पड़ जाती हैं, तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम अक्सर कर जाते हैं। कन्या पूजन में संख्याओं का अपना महत्व होता है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि कम से कम 7 कन्याओं को अवश्य बुलाएं। वैसे तो 9 कन्याओं को बिठाना शुभ माना जाता है, इसके साथ ही बटुक यानी लांगूरा लड़के को बुलाना ना भूलें। बटुक को भैरव का अवतार माना जाता है, इसलिए कन्याओं के साथ एक लड़का आमंत्रित करना आवश्यक माना जाता है। कन्याओं की उम्र 10 से 12 साल के बीच उत्तम मानी गई है। कन्याओं की बैठक व्यवस्था। कन्याओं को देवी के रूप में माना जाता है, उन्हें बिठाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। किसी स्वच्छ स्थान पर साफ चादर बिछाकर स्थान दें। जैसे हम पूजा करते वक्त फर्श पर नहीं बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार कन्याओं को भी बिठाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। कन्याओं के पैर धोना ना भूले। कन्याओं के घर पधारने पर सबसे पहले साफ पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। इसके लिए आप किसी बर्तन में उनके पैर रखकर पानी से धोए और फिर किसी साफ कपड़े से साफ करें। बहुत से लोग कन्याओं के पैरों में महावर भी लगाते हैं। रक्षा सूत्र और तिलक जरूर लगाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद सबसे पहले उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें, साथ ही माथे पर तिलक जरूर लगाएं। तिलक लगाते वक्त चावल का एक दाना कन्याओं के माथे पर जरूर लगाएं। तिलक लगाने के बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हलवा पूड़ी के साथ इन चीज़ों का लगाए भोग। नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए ज़्यादातर घरों में खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी बनाई जाती है। कुछ लोग हलवे के साथ चने का भोग लगाते हैं। हालांकि आप इनके अलावा कई चीज़ों को प्रसाद के तौर पर शामिल कर सकते हैं, जैसे खीर, मालपुआ और आलू या सीताफल की सब्जी। ध्यान रखें कि गलती से भी इन चीज़ों में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। दक्षिणा और भेंट देना ना भूलें। कन्या पूजन करते वक्त हम सभी अपने अपनी श्रद्धा से कन्याओं को पैसे देते हैं। कोशिश करें कि आप 1 रुपये बढ़ा कर दें, जैसे 10 रुपये ना देकर 11 रुपये दें। आपकी कन्या पूजन तभी सफल मानी जाएगी जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी विदा ले। इसलिए उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट जरूर दें जिससे उनके चेहरे पर खुशी आ जाए। आप हेयर बैंड, चॉकलेट, गेम और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई भी चीज़ उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। कन्याओं के घर से जाने के बाद हमें घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। आप सुबह सवेरे कन्या पूजन से पहले घर की साफ सफाई कर सकते हैं। कन्या पूजन के बाद घर में मैले कपड़े नहीं धोने चाहिए। कन्या पूजन के पहले दिन आप कपड़े धो लें, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या पूजन के बाद नहाना नहीं चाहिए। कन्या पूजन के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। कन्याओं ने जिस बर्तन में खाना खाया है उसे तुरंत धोना नहीं चाहिए, थोड़ा समय रुककर साफ करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद बाल काटना या दाढ़ी बनवाना वर्जित माना गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।